श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। भगवान ने, परमात्मा ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है। अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते। अर्थात कारण मिट्टी और कार्य घड़ा की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। ऐसा जानना ही ज्ञान है, ऐसा जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, महान ज्ञान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणित होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणित नहीं होते। कारण कि परिणित होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सर्प के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। परमात्मा के सिवाय, भगवान के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण भेद मनुष्य की दृष्टि में ही है, इसलिए मनुष्यों को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर भगवान को मैं प्रेम सहित नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। ओम तत् सत, ओम तत् सत। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान।